हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट पर नेक्स्ट सेल कब आने वाली है। फ्लिपकार्ट की जो बिग सेवन डेज की सेल है इसी मंथ में 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और अमेज़न पर भी सेम आपको सेल देखने को मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट की जो बिग सेवन डेज सेल है ये कब तक चलेगी, आप इसे कैसे अर्ली एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलने वाली है, कुछ हिंट्स भी फ्लिपकार्ट में दिए हैं। चलिए हम आपको सभी कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में कि कौन से हिंट्स है जिनसे आप समझ सकते हैं कि फोन कितना सस्ता हो सकता है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर आएंगे आपको यहाँ ऊपर एक पॉपअप मैसेज दिख जाएगा फ्लिपकार्ट मानसून डील्स के बारे में, जहाँ पर फ्लिपकार्ट सेविंग डेज ये है बिग सेविंग डेज के नाम से, जो 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक चलने वाली है। और अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं तो आप अर्ली एक्सेस कर सकते हैं, यानी आप 14 तारीख को ही इस सेल को ले सकते हैं। 24 घंटे पहले आपको इसका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और आप डील्स का बहुत ही आनंद उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिगेस्ट डील्स ऑफ मानसून फ्लिपकार्ट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10% का एक्सेस क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का ऑफर देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड तो आपको ऑफर मिलेगा ही, लेकिन साथ में डेबिट कार्ड पर मिलेगा जो थोड़ा सा कम रहने वाला है। डेबिट कार्ड पर थोड़ा कम ऑफर मिलता है या सभी चीजों पर ऑफर नहीं मिलता है, तो आप क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का एकदम अपने पास तैयार रखिए जब भी आप फोन वगैरह खरीदना चाहें तो, क्योंकि आपको वहां पर 10% का स्कीम मिलेगा। यहाँ पर लिखा फ्लिपकार्ट प्लस वन डे अर्ली एक्सेस, तो फ्लिपकार्ट प्लस आप मेंबर बन जाइए, जो भी 99-99 के आसपास होता है सुपरकॉइन से खरीद लीजिए, बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। और यहाँ पर हम आते हैं अगर अपने नीचे सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्टन रेजेंस डील, यानी जो कपड़े वगैरह या फिर पर्दे वगैरह फिर जो भी होम की चीज़ होती है उन पर भी ऑफर आपको मिलेगा। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम ओपन करते हैं मोबाइल वाला सेक्शन। मोबाइल वाले सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग सेविंग डेज सेल प्राइस लाइव सोप एट सेल्स प्राइस बिफोर सेल, मतलब सेल के पहले भी आप खरीद सकते हैं। और ये जो प्लस वाला ऑप्शन है उसको लेकर यहाँ पर दिखा रहे हैं क्रेजिएस्ट डील्स ऑन आईफोन 13 पर, ये कह रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डील है ये। तो हम जबरदस्त डील के बारे में बात करते हैं, 54,000 या फिर 56,000 के आसपास आईफोन 13 आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 57 का भी देखने को मिल सकता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE5G यानी फैन एडिशन वाला ये स्मार्टफोन, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने खुद से विजिट सैमसंग स्टोर में किया था, इस फोन को चेक किया था, बिकॉज ये जो आईफोन 14 से हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसकी जगह उसको लेने वाले थे, फिर मैंने आईफोन ले लिया। तो यहाँ पर जो S21 FE5G आपको 29,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा या फिर 28,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा, 30,000 रुपये के नीचे बजट में ये फोन होने वाला है। यहाँ पर आपको पिक्सल 6a पर बहुत ही अच्छी स्कीम देखने को मिलेगी, जी हाँ ये भी आपको करीब 30,000 रुपये के नीचे देखने को मिलेगा। और आईफोन 14 की बात करते हैं तो 60,000 से 62,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वैसे आईफोन 14 पर बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होंगे 62,000-63,000, क्योंकि बिग बिलियन डेज की सेल में तो प्राइस डाउन होते ही हैं, तो उस वजह से अभी बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन नहीं करेगी कंपनी। बेस्ट डील फ्रॉम पिक्सल 7A खरीद सकते हैं आईफोन 14 है, वीवो का V27 है जो कि आपको 27,000-28,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, उसे आप परचेस कर सकते हैं। आज थोड़ा आई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है बिकॉज आईफोन से या फिर फ़ोन से बहुत दिन बाद शूट कर रहे हैं वीडियो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा है, एकदम नज़र सामने से चली जाती है लेकिन देखने को मिलता है कि लेंस इधर है, तो वो चीज़ आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलिए बताते हैं फ़ोन के बारे में, वीवो T2X 5G पर बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर मिलेगा, मैं भी ये फ़ोन इसको परचेस करूँगा और आपको एक रिव्यू वीडियो भी दूंगा। यहाँ पर रियलमी C55 आप खरीद सकते हैं 10,000 रुपये के आसपास प्राइसिंग में, साथ में वीवो T2 5G जो कि 18,000 रुपये के प्राइसिंग में, इसको भी आप 16,000 के आसपास खरीद सकते हैं। यहाँ पर प्राइस नहीं लिखी है, ये मेरा ओपिनियन है आपके लिए, इसी के आसपास प्राइसिंग देने वाली है। बाकी अभी प्राइसिंग जो सारी लगभग ओपन नहीं हुई है, लेकिन आप रेडी रह सकते हैं इन्हीं प्राइसिंग के लिए। देखिए मोटो E13 10,999 रुपये की प्राइसिंग को काट कर इन्होंने यहाँ पर प्राइसिंग भी नहीं लिखी, लेकिन हाँ ऐसे मानिए कि 1,000 रुपये के आसपास प्राइसिंग कम हो सकती है। यहाँ पर रियलमी 11 Pro 5G आप चाहो तो 8GB RAM 128GB मेमोरी वाला स्मार्टफोन 22,999 रुपये का है, एंड इस पर आपको SBI का 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, HDFC के क्रेडिट कार्ड पर आप ले सकते हैं। अगर आप 8GB RAM 256GB में स्विच करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप नोटिस चेक कर लेना। बाकी इन्फिनिक्स का नोट 35G 14,999
₹99 में होगा फोन, और इस पर भी ₹1000 का आपको इंस्टेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट देखने मिलेगा। ये 13 जुलाई को आएंगे, जो कि आप 14 जुलाई नाइट में इसको देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बहुत सारे इनके ब्रांड स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी सेल में, तो आप इस सेल में बने रहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो सेल के प्राइस हैं, अमेजोन पर भी सेल चल होगी तो आप वहाँ भी प्राइस को चेक कर लीजिएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्या है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा कर दिया तो ऑफ़र ज़्यादा दे दिया, यहाँ पर प्राइस कम कर दिया तो ऑफ़र कम दे दिया, तो ये चीज़ें आप दोनों जगह पर चेक करें ना। कुछ कुछ स्मार्टफोन जो दोनों जगह पर आपको मिल सकते हैं तो आप एक बेस्ट प्राइस में परचेस कर सकते हैं। आई थिंक आज इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इस सेल में आप स्मार्टफोन को कितने प्राइस तक ले सकते हैं। सो आज ये नाइन इस मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको और कुछ भी ऐड करनी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।